हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाज़ार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अभी मैंने एक वीडियो डाली है इंडिगो पेंट्स से रिलेटेड। इंडिगो पेंट्स का आईपीओ आ रहा है, तो उसको वीडियो आपको हमारी वीडियो सेक्शन में मिल जाएगी। अदरवाइज़ मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा या आई बटन पर लिंक दे दूंगा, तो उस वीडियो को जाके देख लीजिएगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है, आपको पता चल जाएगी कि आप इंडिगो पेंट्स की डिटेल्स पता चल जाएगी। जीएमपी कितना चल रहा है, अच्छा खासा उसका जीएमपी चल रहा है, ग्रे मार्केट प्राइस, तो उसमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं, उससे आपको एक आइडिया आ जाएगा। तो आपका पहले तो बी बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार जो आपका खुद का चैनल है, उसमें स्वागत करता हूँ। और हम आज एक सीरियस मैटर से रिलेटेड बातें करने वाले हैं। एक आज हम पर्टिकुलर स्टॉक से रिलेटेड बातें नहीं करने वाले, हम एक फ्रॉड है जो आपको सबको पता चल गया होगा, एक फ्रॉड से रिलेटेड बातें करने वाले हैं। वो फ्रॉड किस तरीके से होता है, उससे रिलेटेड बातें करने वाले हैं। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। इसमें रिटेल इन्वेस्टर बहुत ज़्यादा फंसते हैं, तो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए ही ये मेन वीडियो है, क्योंकि बड़े बड़े लोग ऐसे वो तो पैसा उसमें बना के निकल लेते हैं। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। बट बिफोर दैट आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप हमारे इस चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार को सब्सक्राइब तो करिए करिए, एज वेल एज शेयर भी करिए। और हम इस नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिया है, इस पर आप क्लिक करिए और फ्री में आपका डीमेट अकाउंट ओपन हो जाएगा। अगर आपका डीमेट अकाउंट नहीं है, और किसके साथ, एंजल ब्रोकिंग के साथ, जो कि फ्री में आपका डीमेट अकाउंट, जीरो डिलीवरी चार्जेस, बहुत अच्छा एप्लीकेशन और सेबी रजिस्टर्ड है, मेन सेबी रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो आज जाके एंजॉय करिए। तो आके वीडियो की तरफ चलते हैं। तो वीडियो में पहले तो मैं आपको एक शख्स की शक्ल दिखाना चाहूँगा। देखिए, ये आप देख सकते हैं सीएनबीसी आवाज़ पर ये शख्स आते हैं, बहुत बड़े एंकर है। ओके, हेमंत घई इनका नाम है। ओके, इनसे रिलेटेड बातें करने वाला हूँ, और इनसे रिलेटेड बातें नहीं करने वाला मैं एक्चुअली, एक मेरी बात इनसे रिलेटेड नहीं है, एक दूसरी बात है, उससे रिलेटेड बातें करने वाला हूँ जिससे रिटेल इन्वेस्टर बच सकते हैं और वो ऐसे फ्रॉड में फंस जाते हैं। उनके पास नॉलेज शायद थोड़ी बहुत नहीं होती, वो आते हैं या फिर जितनी भी होती है, और बड़े लोग उसमें से चुपचाप निकल जाते हैं। तो एक पर्टिकुलर चीज़, कुछ रूल्स रेगुलेशन, वो उसके बारे में बातें करेंगे। तो देखिए पहले हुआ क्या है, एक मामला है, यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यूज़, सेबी रिस्ट्रेंस सीएनबीसी आवाज़ टेलीविजन एंकर हेमंत गई फ्रॉम डीलिंग इन सिक्योरिटीज़। ओके, सेबी बार सीएनबीसी आवाज़ एंकर फैमिली मेंबर फ्रॉम कैपिटल मार्केट फॉर ट्रेडिंग फ्रॉड। ओके, ट्रेडिंग फ्रॉड से रिलेटेड, सेबी बार टीवी एंकर गई वाइफ एंड मदर फॉर फ्रॉड इन ट्रेडिंग। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो इन्हीं से रिलेटेड बातें हुई है। इन्हीं आपने देखा भी होगा, आज अगर आपने सीएनबीसी आवाज़ का न्यूज़ चैनल चलाया होगा मॉर्निंग से, तो ये शख्स आपको नहीं दिखे होंगे सीएनबीसी आवाज़ पे। क्यों नहीं दिखे? क्योंकि एक तरीके से ये समझिए, अब ये बुक हो चुके हैं। सेबी ने इनके ऊपर इन्हें फ्रॉड का दे दिया है टाइटल अच्छा खासा। तो इन्हीं से रिलेटेड तो हुआ क्या है कि इन शख्स ने ये जो आपको टीवी पर आते हैं, और टीवी पर आके आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के शेयर्स बताते हैं, छोटे शेयर्स बताते हैं, तो उन छोटे शेयर्स में होता क्या है कि उन छोटे शेयर्स में ये आपको, आप लोग देख के कि हाँ ठीक है, मूवी उस पर चल रहा है, टीवी पर चल रहा है, तो आप उनमें इन्वेस्ट करने लग जाते हैं और इन्वेस्ट करते हैं। तो ये इनके ऑलरेडी पहले से ही इनमें पैसे डले होते हैं, और पैसे डले होते हैं तो जैसे ही वो बढ़ते हैं 10%, 5%, 20%, जैसे ये बताते हैं 20% भाग रहा है, अब 20% जो टच करके रहेगा, 20% से कोई नहीं छूट सकेगा, और 2 दिन भी रैली इस तरीके से 20-20%, तो ऐसे ही कर करके 20%, 40% इनके बढ़ते जाते हैं, और ये चुपचाप पैसे निकाल के चुपचाप निकल लेते हैं। और कौन फंस जाता है? फंस जाता है बहुत बड़ा नाम है, जो कि अगर हम बात करें तो इनमें फंस जाते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स। तो रिटेल इन्वेस्टर्स, इसमें जो छोटे इन्वेस्टर्स होते हैं, ये आप देख सकते हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स समटाइम्स आर ऑल्सो कॉल्ड इंडिविजुअल इन्वेस्टर और रिटेल इन्वेस्टर्स, दीज आर द नॉन प्रोफेशनल इन्वेस्टर, मतलब जिनके पास जो प्रोफेशनल है ही नहीं, जो आते हैं मार्केट में देखते हैं कि सब लोग पैसा कमा रहे हैं, ओके हम भी करते हैं, हमें कुछ, और बहुतों के पास नॉलेज होती है, बट बहुत सारे न्यू कमर होते हैं। ओके, तो वो न्यू कमर आते हैं जिन्हें हम राउडी इन्वेस्टर्स भी कहते हैं, आते हैं, पैसा लगाते हैं, देखते हैं सीएनबीएसई आवाज़, देखते हैं अलग अलग न्यूज़, देखते हैं इन एंकर्स को, और देखते हैं छोटे छोटे शेयर्स वो बताते रहते हैं, किसी को भी फॉलो करते हैं और फंस जाते हैं
पैसे बड़े बड़े हाई लेवल पर खरीद लेते हो, खरीदने के बाद चुपचाप फंस जाते हो। फंस के छोटे छोटे शेयर्स होते हैं जो कि रैली में भागते हैं, और रैली में भागते हैं जैसे रैली भागती है तो घड़ा घोड़ा सभी भागते हैं, और सभी जब भागते हैं तो घड़े गधे घोड़े के साथ में एक फ़र्क नहीं हो पाता कि कौन से शेयर्स अच्छे हैं कौन से बुरे हैं, तो सब शेयर भागते हैं और फिर वो फंस जाते हैं क्योंकि बड़े बड़े लोग चुपचाप लेके निकल जाते हैं। देखिए छोटे पेनी स्टॉक्स हम भी बताते हैं, अगर मैं बात करूँ अपनी ही तो मैंने भी आपको काफ़ी सारे पेनी स्टॉक्स बताए होंगे अपने इस चैनल पर, आप जाके देखिएगा। बट मैंने हमेशा आपको डिस्क्लेमर दिया होगा कि छोटे शेयर्स हैं इनमें आप ज़्यादा पैसा मत लगाइए, इसमें 100 लगा दीजिए, 500 लगा दीजिए, 1000 लगा दीजिए एज़ पर योर कैपेसिटी, क्योंकि अगर कल को डूब भी जाते हैं तो कुछ नहीं होता, क्योंकि वो शेयर्स जो होते हैं ना स्मॉल कैप शेयर्स होते हैं, और स्मॉल कैप स्टॉक्स क्या होते हैं वो जिनकी वैल्यू काफ़ी छोटी होती है। ओके, स्मॉल कैप्स इस तरीके से शेयर होते हैं जो भागते भी तेज है और गिरते भी तेज है, और अगर भागते भी तेज है और आप फंस गए तो फंस गए, फिर 1-2 साल 4 साल के लिए चली गई, तो ऐसे छोटे शेयर्स आपको काफ़ी सारे मार्केट में मिल जाएंगे। तो इसलिए ऐसे शेयर्स के पीछे नहीं भागना होता और ऐसी न्यूज़ के पीछे नहीं भागना होता। अगर आप किसी ने रिसर्च एनालिस्ट का कोर्स किया होगा तो उसे पता हो कि अदरवाइज़ एक न्यूज़ और बताता हूँ कि अगर NISM में एक रिसर्च एनालिस्ट का कोर्स होता है और उसमें बताया जाता है कि 30 डेज से अगर कोई भी कोई भी जैसे यही हो गया, यही शख्स हो गया, या फिर कोई भी रिसर्चर होता है जो पर्टिकुलर स्टॉक पर रिसर्च करता है, तो वो अगर किसी पर्टिकुलर स्टॉक्स के बारे में आपको बता रहा है तो आप वो खुद 30 दिन तक उस शेयर्स को खरीद नहीं सकता, अपने पोर्टफोलियो में रख नहीं सकता। ये एक सेबी के द्वारा बनाया गया ऑलरेडी रूल है, बट ये लोग यहाँ पर इसने हेमंत गिरी ने क्या किया है तो अगर मैं आपको बताना चाहूँगा तो इन्होंने अपने नाम से, पता नहीं अपनी वाइफ के नाम से और अपनी मदर के नाम से पर्टिकुलर स्टॉक्स इन्होंने बताए, ओके, पर्टिकुलर डेट्स पर बताए, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 1 जनवरी से 31 मई 2020 तक, ओके, 2019 से मतलब सवा साल कह सकते हैं, अलग अलग स्टॉक्स के बारे में इन्होंने, स्टॉक 2020 इनका शो चलता है ओके, जिनमें भी शेयर लाते हैं तो अलग अलग शेयर से रिलेटेड बातें करते हैं, और बातें करते हैं तो फिर उसमें शेयर्स बताते हैं और वो शेयर्स भागने शुरू कर देते हैं, और इनके पोर्टफोलियो में ऑलरेडी पहले पड़े होते हैं, और अच्छा खासा पैसा इन्होंने इस करके लगभग 3 करोड़ रुपए अपनी मदर के नाम पर, अपनी वाइफ के नाम पर, यहाँ पर देख सकते हैं सेबी फाउंड इट्स इन्वेस्टिगेशन दैट जया हेमंत गई इज़ द स्पाउस ऑफ हेमंत, मतलब उनकी वाइफ है, और अगर उनकी माँ के नाम पर भी उन्होंने अकाउंट ओपन करा रखा है श्याम मोहिनी गई के नाम पर, ओके, हेमंत गई की मदर, तो उन्होंने अलग अलग अकाउंट ओपन करा के ऑलरेडी वो शेयर्स ले रखे थे, और लेने के बाद उन्हें अपनी 20 स्टॉक 2020 एक शो चलता है, उस मॉर्निंग में आता है और उसमें देते हैं और वो शेयर्स भागना शुरू कर देते हैं, और ये अच्छा खासा पैसा निकाल के चुपचाप उसी टाइम निकल जाते हैं और आप लोग उसमें लटके रह जाते हैं, और फिर वो शेयर कभी बढ़े तो बढ़े वरना वहीं अटके रह गए, तो ये होता है ऐसे शेयर्स में, ओके। तो इसलिए कहते हैं, हम लोग भी कहते हैं कि छोटे शेयर्स में फंसो ही मत। छोटे शेयर्स में देखिए आप एग्जांपल लेते हैं राकेश झुनझुनवाला का, कि राकेश झुनझुनवाला ने इतने सारे पैसे कमा लिए, राकेश झुनझुनवाला ने उतने सारे पैसे कमा लिए, टाइटन से उन्होंने करोड़पति बन गए, तो राकेश झुनझुनवाला टाइटन से बने हैं बट उन्होंने होल्डिंग पीरियड भी तो रखी है ना, उन्होंने एक साथ नहीं, 20 उनके 2000 में खरीदा था तो अभी 2020 चल रहा है, 20 साल से पोर्टफोलियो में है उनके, तो इसलिए किसी भी एग्रेसिव मोड पे नहीं, और उनकी कैपेसिटी भी अच्छी है। उन्होंने जब ये बहुत बड़ा जब क्रैश हुआ था 1991 में, तो उसमें उन्होंने खुद बताते हैं कि उन्होंने 40 करोड़ रुपए सबसे ज़्यादा पैसा उस टाइम कमाया था, 40 करोड़ रुपए कमाए थे उस टाइम जब उनके पास इतना पैसा नहीं हुआ करता था, तो उनकी कैपेसिटी अलग है, ओके। तो इसलिए अगर आपको सेफ खेलना है, क्योंकि आपको नॉलेज नहीं होती, आपको नहीं बताता, तो सेफ खेलना है तो आप निफ्टी 50 के लार्ज कैप स्टॉक को खरीदिए, ओके, अच्छे अच्छे स्टॉक में रहिए, ताकि आपको ये कोई भी लोग ऐरा गैरा नत्थु खैरा आके आपको फंसाना सके और आप उसमें बच जाए। बड़े स्टॉक में आप खेलेंगे, बड़े स्टॉक में आपको शेयर अगर नीचे भी आ गया, ओके, निफ्टी 50 के स्टॉक्स, अगर मैं आपको बात बताऊं, अगर निफ्टी 50 के स्टॉक्स नीचे भी आ गए कल की डेट में, तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप वो कल की डेट में ऊपर जाने ही है, वो 5 दिन 10 दिन नीचे रहेंगे, बट जैसे भागेंगे तो आप देख सकते हैं ये निफ्टी 50 के स्टॉक्स है,
ओके, जब ये भागेंगे तो आपको अच्छा रिटर्न देंगे, और इतना रिटर्न देंगे कि आप करोड़पति इजीली बन सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो आप अच्छे, आपने सुना भी होगा, मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, ऊपर लिंक भी दे दूंगा कि कैसे 50,000 रुपये TCS में, अगर पहले जब ये लिस्ट हुआ था तब इन्वेस्ट करते तो कैसे वो 1 करोड़ रुपये हो, 1 करोड़ रुपये, 2 करोड़ रुपये हुआ हो जाते, ऐसी इन्फोसिस में हो जाते, ऐसी विप्रो ने किस तरीके से 40 साल में 10,000 रुपये के 700 करोड़ रुपये कर दिए। तो ऐसे ही बड़े बड़े अच्छे अच्छे स्टॉक्स में रहने का, एंजॉय करने का, डिविडेंड एंजॉय करने का, पैसों को एंजॉय करने का, ग्रोथ को एंजॉय करने का, बोनस स्प्लिट सब मिलता है बड़े बड़े स्टॉक्स में। और यही स्टॉक्स जो ये आपको दे रखे हैं ना, अलग अलग सेक्टर, अलग हर एक सेक्टर से देखिए स्टॉक्स मिल जाएगा, कोई भी सेक्टर इसमें अछूता नहीं है। पेंट पेंट सेक्टर ले लीजिए, FMCG ले लीजिए, गाड़ी से रिलेटेड ले लीजिए, ओके, एज वेल एज बात की जाए रिलायंस भी इसमें है, IT कंपनी इसमें है, बैंक्स इसमें है, हाउसिंग फाइनेंस इसमें है, ओके, अगर लाइफ इंश्योरेंस इसमें है, तेल की कंपनीज इसमें है, इसमें भी काफ़ी सारे बेकार स्टॉक मिल जाएंगे जो गवर्नमेंट स्टॉक है उन्हें से अलग रहिएगा। इसके अलावा अगर 5-10 स्टॉक को निकाल दें, 40 स्टॉक तो फिर भी ऐसे है कि आप इन्वेस्ट करेंगे, रखेंगे लॉन्ग टर्म के लिए, बैंक से ज़्यादा पैसा बनेगा और अच्छा खासा पैसा कमाएंगे। तो स्मॉल कैप और लार्ज मिड कैप में ज़्यादा पैसा लगाइए मत, ओके, किसी भी न्यूज़ को देख के पैसा लगाइए मत, भागती रैली को आप कभी पकड़िए मत, ओके, और इस तरीके के फ्रॉड होते रहते हैं। और जो ये स्टॉक 20-20, स्टॉक 30-30 होते हैं, तो इनके ऑलरेडी क्लाइंट्स होते हैं, उन्हें पहले ही बता देते हैं, तो आप कभी भी अगर आप देखते होंगे तो वो स्टॉक्स ऑलरेडी 5-10% ऊपर चढ़ा होता है, फिर आप खरीद लेते हैं वो चुपचाप निकल के, और 10% आप खरीदते तो 10 से 20 हो जाता है, और वो 20 में तुरंत निकाल देते हैं, आपका रखा रह जाता है। ओके, कुछ दिन पहले मैं अपने दोस्त से ही बात कर रहा था, तो मैंने उसे भी बताया था कि ऐसा होता है, एक पर्टिकुलर इनका ऑलरेडी क्लाइंट्स होते हैं, तो ये क्लाइंट्स को ये ऑलरेडी बता देते हैं, और रिटेल इन्वेस्टर्स उसमें जाके इन्वेस्ट करते हैं और फिर फंसे रह जाते हैं। मैं भी उसमें मैंने भी इन्वेस्ट कर रखा है, ओके, और मेरा अभी तक वो बड़े ही नहीं है शेयर्स, ओके, बट मैंने ज़्यादा नहीं किया क्योंकि मुझे पता थी ये रिस्क टेकिंग वाला है, 1,000-1,500 कर दिया तो कर दिया, और वो अभी 1,000-1,500 बल्कि कम ही हुए होंगे, बड़े नहीं है। तो इसलिए ऐसे न्यूज़ से रिलेटेड मत करिए, बड़े बड़े जो स्टॉक्स होते हैं, Nifty 50 के स्टॉक्स है, इसमें रहिए, मजे करिए, और बहुत अच्छा पैसा इन्हीं से कम जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कमेंट, अगर मेरी सजेशन आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा, एज वेल एज हमारे इस चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और ऐसे फ्रॉड से हमेशा दूर रहिए, और अच्छे स्टॉक को पकड़िए, मेरे चैनल को फॉलो करिए, इस वीडियो की वीडियोज़ देखिए, और पैसा आपका अच्छे अच्छे स्टॉक से रिलेटेड मैं ही खुद बातें करते रहता हूँ, आप उसमें इन्वेस्ट करिए, पैसे कमाइए, और बाकी अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर पूछ लीजिए। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।